तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यहाँ पे जो है कुछ चीज मैं अपने कबूतरों के लिए लेके आ चुका हूँ। ये सब कुछ गाइस आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। ये है बूटॉक्स, जिससे कि हम लोग अपने कबूतरों को वॉश करेंगे, जो भी उनके पंख के अंदर कीड़े उड़े होते हैं इससे निकल जाएंगे। बट गाइस आज हम लोग को इसका यूज नहीं करना। दूसरा है भाई एल्बोमार, ठीक है। इसका भी क्या यूज है आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी जो है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये काम आता है अपने कबूतरों का डीवॉर्मिंग करने के लिए, ठीक है। गाइस ये 60 ml का बोतल है और इसका प्राइस दिखा देता हूँ, ये देखो 64 रुपया। और इसका भी प्राइस देख लेते हैं भाई, जिसको लेना होगा उसको पता चल जाएगा, 124 रुपया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने को बूटॉक्स का यूज़ नहीं करना, इसका यूज़ मैं करूँगा 1 हफ्ते के बाद। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रखते हैं साइड में। आज जो है हम लोग को यूज़ करना है ये एल्बोमार का। कबूतरों का डीवॉर्मिंग किए भी जो है काफ़ी टाइम हो गया है गाइस, 3-4 महीने पे हम लोगों को अपने कबूतरों का डीवॉर्मिंग और बूटॉक्स से वॉश करना पड़ता है, जिससे कि अपने कबूतर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डीवॉर्मिंग करने से जो भी कबूतरों के अंदर कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। अभी जो है मैंने अपने कबूतरों को बाहर नहीं निकाला है। सबसे पहले जो है इसके अंदर हम लोग पानी भरते हैं। अभी मैं पानी रख देता हूँ गैस के ऊपर, जिससे कि ये बॉईल हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा आंच कम कर देता हूँ। तो इससे पहले जो है मैं हमेशा चीनी का यूज़ करता था। आप जो है चीनी का भी यूज़ कर सकते हो और ये गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गुड़ जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए इस बार मैं गुड़ का ही यूज़ कर रहा हूँ। और इससे पहले जो है मैं चीनी का यूज़ करता था। तो इसको हम लोग इसके अंदर ही डाल देते हैं। पानी और गुड़ एक बार अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद पानी को ठंडा करके इसके अंदर हम लोग मिक्स कर देंगे ये एल्बोमार। और गाइस जब तक पानी बॉईल हो रहा है, तब तक जो है हम लोग चलते हैं ऊपर एंड अपने कबूतरों को निकालते हैं बाहर, ठीक है। इसके अंदर है अपने कबूतरों के लिए रोटी, तो इसको भी मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि उन लोग को बाहर निकाल देंगे, रोटी दाना वाना सब कुछ दे देंगे, लेकिन वो लोग को पानी नहीं दिया जाएगा, ताकि अपने कबूतर प्यासे रहें। जब हम लोग डीवॉर्मिंग वाला पानी उनको दें तो वो लोग अच्छे तरीके से उसको पी लें, ठीक है। गाइस आज जो है हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, देख रहे हो फ्लैग व्लैग सब बहुत ही तेज हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपने कबूतरों को निकालते हैं बाहर। और गाइस हवा इतना ज्यादा तेज है कि भाई ये पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक निकल गया भाई, इसको अच्छे से हम लोग को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है मैंने इन लोग को जल्दी से रोटी भी चूरमा करके डाल दिया है, जिससे कि कबूतर आराम से खाने में बिजी रहें और उड़े ना, क्योंकि भाई आज बहुत ही तेज हवा भी चल रहा है। उसके बावजूद भी अपने 5 कबूतर यहाँ पे उड़ गए हैं और मैं ऊपर जा चुके हैं, ये देखो। ये गाइस टोटल 5 कबूतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल में मैंने इन लोग को यहाँ पे रोटी डाल दिया है, ये लोग को खाते हुए देख के ये लोग भी जल्दी से नीचे आ जाए तो अच्छा रहेगा। जो है हवा बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा है, देखो बहुत तेज है हवा, देख रहे हो। और इसके अंदर जो है 2 छोटे छोटे बच्चे भी उड़ गए हैं, तो हवा तेज होने की वजह से वो लोग पीछे भी जा सकते हैं, इसीलिए जल्दी नीचे आ जाए कबूतर अपने तो अच्छा रहेगा। ये जो 2 नीचे आ रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों बड़े कबूतर हैं, जो ऊपर 3 कबूतर उड़ रहे हैं उनके अंदर 2 छोटे बच्चे भी हैं, ये देखो। तो वो लोग भी अभी जो है धीमे धीमे नीचे आ रहे हैं ये दोनों को देख के। तब जो है हम लोग देख लेते हैं जो पानी बॉईल करने को रखा हुआ है वो भाई बॉईल हुआ या फिर नहीं। गुड़ जो है पानी के अंदर मिक्स हो रहा है, इसीलिए पानी का कलर पूरा हो चुका है चेंज। कुछ चलाने के लिए चाहिए, मैं देखता हूँ फिलहाल में, अगर कुछ चलाने के लिए होगा तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलो ये छन्नी है, इसी से काम चला लेते हैं भाई। ये गाइस कोई चलाने वाला बर्तन तो मुझे नहीं मिला, बट इससे भी काम हो जाएगा अपना, ठीक है। ये देखो गाइस ये है गुड़ की सिल्ली, ठीक है। अब इतना सा ही बचा है, ये अभी जो है धीमे धीमे इसके अंदर मिक्स हो जाएगा पूरा। और भाई जो अपने कबूतर उड़ रहे थे वो गाइस और भी ज़्यादा हाइट पे चले गए, और जो 2 नीचे उड़ रहे थे वो मुझे नहीं दिख रहे, वो शायद आके मेरे हिसाब से बैठ गए होंगे। जो 3 उड़ रहे थे ना वो और भी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, हल्का हल्का सा आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 ये रहे और 1 जो है
तीनों एक साथ आ गए, तीनों एक साथ आ गए। ये देखो इसको करते हैं बंद। लेकिन अभी जो है पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ऐसे अपने कबूतरों को नहीं दे सकते हैं पीने के लिए। और गाइस जो कबूतर अपने ऊपर जाके उड़ रहे थे, अभी जो है ये लोग भी नीचे आ गए और धीमे धीमे बैठ रहे हैं। ये देखो एक कबूतर ये बैठ रहा है, एक यहाँ पे है और एक पट्टा ये। ठीक है, करता हूँ ये पानी को दो अलग अलग बर्तन में कर देता हूँ जिससे कि पानी जल्दी से ठंडा हो जाए। ठीक है, ये देखो दाना डाल देते हैं जिससे कि ये लोग आराम से खाते रहे, फिर इनको पानी भी दे दिया जाएगा डीवॉर्मिंग वाला। खाओ भाई। अभी जो है गाइस पानी हो चुका है पूरा ठंडा, तो इसके अंदर जो है हम लोग ये एल्बो मार मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल भाई ठंडा हो चुका है, इसके अंदर आराम से मैं अपने हाथ भी रख सकता हूँ। ठीक है, पानी बिल्कुल भी अब गर्म नहीं है। ये जो है 60 ml का बोतल है, ठीक है, और इसी के पीछे गाइस लिखा भी होता है कि कितना डोज हम लोग को देना है, ये लिखा हुआ है। 30 से 45 ml जो है आप 100 birds को दे सकते हो। तो अपने पास भी जो है लगभग 100 कबूतर होंगे, मतलब 100 से थोड़ा ऊपर नीचे। तो हम लोग जो है 10 ml मेडिसिन इसके अंदर छोड़ देंगे और बाकी पूरा पानी के अंदर मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से सेक कर लेना है। अभी जो है इसको हम लोग ये गुड़ वाले पानी में डाल देते हैं। ये देखो इसके अंदर अभी भी जो है मेडिसिन बचा हुआ है, 45 ml के अंदाजे से डाल दिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अभी भी क्योंकि इसके अंदर मेडिसिन है। ठीक है, और गाइस पानी का जो कलर है वो भी आप लोग चेक करो, पूरा ही चेंज हो गया है। सबसे पहले जो है मैंने पानी के अंदर गुड़ ऐड किया, उसके बाद जो है अभी एल्बो मार, इसीलिए पानी का जो है कलर कुछ ये आ गया और इसके अंदर से गाइस गुड़ का स्मेल भी आ रहा है। तो चलो इसको मैं सबसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद अपने कबूतरों को देते हैं पीने के लिए। और जो ये लोग का पानी का बर्तन है इसको भी मैंने साफ करके रख दिया। मैं जो है गाइस पानी वाले बर्तन को यहीं पे रख देता हूँ क्योंकि कबूतर, और इसके ऊपर ये पत्थर भी रख देते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो है अपने कबूतर बहुत ही ज़्यादा प्यासे हुए हैं। ये देखो ये तो यहीं पे आ गया पानी पीने के लिए। हटो भाई, हटो 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 हटो। देख रहे हो गाइस अभी जो है मैंने पानी डाला भी नहीं है और कभी रोटी और दाना डाल दिया था, पानी नहीं दिया था। ये देखो ये हो चुका है, अब कबूतर इसके अंदर आराम से ये पानी पी सकते हैं। ये लोगों को भी जो है ये लोग फीडिंग करा देंगे और ये पानी से इनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, ये लोग को भी जो है ये लोग फीडिंग कराएंगे। और जो लोग अपने कबूतरों का डीवॉर्मिंग करते हैं उनको तो कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है, बट गाइस फर्स्ट टाइम डीवॉर्मिंग करेंगे उनको मैं बता दूँ, जब कबूतर ये पानी पीता है तो थोड़ा सा एक दो दिन वीक रह सकता है। कुछ कुछ कबूतरों को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अपने मस्ती में ही रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ कबूतर थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कबूतर धीमे धीमे आपका रिकवर हो जाएगा। हमेशा याद रखना अपने कबूतरों का डीवॉर्मिंग करने के बाद हम लोग को कुछ दिनों तक मल्टीविटामिन अपने कबूतरों को देना होता है। तो आज तो मैंने अपने कबूतरों का डीवॉर्मिंग कर दिया है, ये लोगों ने जो है ये पानी वानी पी लिया है, जो भी कल वॉर्म से वो सुबह के टाइम में निकल जाएंगे, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट भी दे दूंगा। और गाइस कल से जो है ये लोग का मल्टीविटामिन भी चालू हो जाएगा पानी के अंदर। अभी के लिए फिलहाल में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई दिक्कत आए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस हम लोग मिलते हैं फिर से एक और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।